देश के किसानों को लेकर बनाए गए 3 कृषि कानूनों को भारत सरकार ने आज वापस लेने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। पिछले लंबे समय से इन कानूनों को समाप्त करने के लिए किसान अलग अलग जगह व शहरों पर धरने पर बैठे थे, जिसको लेकर तमाम बैठक भी हुई, लेकिन आखिर में किसानों की जीत हुई और सरकार ने 3 कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे, आइए एक नई शुरुआत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को देश की जनता को संबोधित कर इस बात की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रतिक्रिया को पूरा कर देंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य में ध्यान रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे। किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे और कृषि अर्थशास्त्री होंगे। फिर पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज इस सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक अहम फैसला भी लिया है। 0 बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए किया गया है। और अब लंबे समय के बाद आंदोलन में शामिल सभी किसान अपने घर वापस जा पाएंगे। यह आंदोलन बेहद ही लंबे समय तक चला और इसमें किसानों ने जीत भी हासिल की। डेली अपडेट्स के लिए बने रहे द वोकल न्यूज हिंदी के साथ।